नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। बात तमाम बड़ी खबरों की करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों के साथ। मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग, शाम 5 बजे तक मतदान होगा। दोनों राज्यों में नतीजे 2 मार्च को आने वाले हैं। नागालैंड में बीजेपी के निर्विरोध 1 सीट जीतने की वजह से वहां सिर्फ 59 सीटों के लिए ही मतदान हो रहा है, जबकि मेघालय में भी 60 में से 59 सीटों पर मतदान इस वक्त हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। पोस्ट बजट वेबिनार के तहत प्रधानमंत्री ने अंतिम मील तक पहुंचना, किसी नागरिक को पीछे नहीं छोड़ना विषय पर अपने विचार रखे। केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार की तरफ से की गई घोषणाओं और अलग अलग मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल के मकसद से पोस्ट बजट वेबिनार हो रहा है। 23 फरवरी से शुरू हुई ये सीरीज 11 मार्च तक चलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के शिवमोगा और बेलगावी का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल जीवन मिशन के तहत 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा की जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे, और जिससे दोनों जिलों के 13 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त भी जारी करने वाले हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को कल किया था गिरफ्तार। आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में आपराधिक साजिश रची और उन्होंने सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की। उन्हें आज राउत रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, और जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के मामले में माफिया डॉन अतीक अहमद से साबरमती जेल में होगी पूछताछ। बीजेपी नेता और राजू पाल हत्याकांड में इकलौते गवाह। उमेश पाल की हत्या में अतीक अहमद के पूरे परिवार को नामजद किया गया है। यूपी पुलिस ने अतीक अहमद की पत्नी, बेटों, भाई और 9 अन्य साथियों पर दर्ज किया है मामला। अतीक अहमद जून 2019 से साबरमती जेल में बंद है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में शामिल 2 बदमाशों की जेल में हुई गैंगवॉर में मौत हो गई। जेल में रविवार को बदमाशों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, और इसमें बदमाश मनदीप सिंह और तूफान और मनमोहन सिंह मोहना की मौत हो गई। जेल में हुई गैंगवॉर की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ली है। उसकी एक फेसबुक पोस्ट भी सामने आई है, इसमें उसने लिखा है कि जो भी जेल में आज हुआ उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप लेता है। भरतपुर से अपहरण कर हरियाणा के भिवानी में मारपीट कर 2 लड़कों को गाड़ी में जलाकर मारने के मामले में शवों की पहचान हो चुकी है। दोनों शव नासिर और जुनैद के ही थे। जुनैद और नासिर की डीएनए रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। अब साफ हो गया है कि इन दोनों को अपहरण कर इन्हें मारा गया था। इस मामले में पुलिस ने रिंकू सैनी को गिरफ्तार भी किया है, और बाकी 8 लोगों की पहचान हुई है जो हरियाणा के हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया, और जिसके बाद देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। यह आग इतनी भीषण थी कि काले धुएं का गुबार काफी दूर से ही दिखाई दे रहा था। आग की जद में फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अचानक से ही आग लगने से अफरा तफरी मच गई, और जिसके बाद देखते ही देखते आसपास के दर्जन भर घर भी इसकी चपेट में आ गए। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक सभी घर यहां पर जलकर राख हो चुके थे, और जिसमें लाखों रुपए के नुकसान की आशंका भी जाहिर की गई। हालांकि सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक होटल से मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। होटल के कुछ बाउंसर लोगों को डंडों से पीटते हुए नजर आए। आरोप यह है कि जश्न मनाने आए कुछ लोगों का गाना बजाने को लेकर स्टाफ से झगड़ा हो गया था, और जिसके बाद होटल में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने हंगामा कर रहे लोगों की डंडों से पिटाई कर दी। हालांकि पुलिस ने आकर मामला शांत कराया। रांची के आरएमएस में मरीजों का अंधेरे में इलाज हुआ। रिम्स यानी कि राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल में बिजली नहीं है, और इस दौरान कई मरीज तो ऐसे भी थे जो चल फिर भी नहीं सकते थे, और इसीलिए उन्हें व्हीलचेयर पर अस्पताल लाया गया, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं अस्पताल में लिफ्ट न चलने से मरीज के साथ जो तीमरदार थे वो भी जूझते हुए नजर आए।
पाकिस्तान में आर्थिक संकट का असर अब वहां स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सीधा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अस्पतालों में दवाओं की किल्लत अब हो चुकी है। मेडिकल उपकरण की कमी की वजह से डॉक्टर इलाज वहां पर कर नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक हार्ट, कैंसर और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी सर्जरी के लिए जरूरी मेडिकल दवा और उपकरणों का 2 हफ्ते से भी अब कम का स्टॉक बचा हुआ है, और जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। श्रीलंका में निकाय चुनाव स्थगित किए जाने से एक बार फिर से हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। कोलंबो में विपक्षी दल के प्रदर्शन मार्च में कई लोग यहां पर शामिल हुए हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की भी तस्वीर सामने आई। पुलिस ने कोलंबो के यूनियन पैलेस के पास प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की और 2 बार आंसू गैस के गोले भी छोड़े, और इसके साथ ही पानी की बौछार भी यहां पर की गई। तुर्की के बाद अब जापान भूकंप के झटकों से कांप उठा है। जानकारी के मुताबिक वहां भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई है, और जिसके बाद सरकार ने वहां के लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की है। अब ये आशंका जाहिर की जा रही है कि भूकंप के झटके फिर से अगर महसूस किए गए तो जापान में सुनामी का खतरा भी बढ़ सकता है। इटली में नाव टूटने से बड़ा हादसा हो गया। 100 से ज्यादा लोगों को लेकर नाव आयोनियन सागर में हादसे का यहां पर शिकार हो गई। इटली की मीडिया की अगर माने तो अब तक रेस्क्यू अभियान में 59 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 58 लोगों की जान बचाने में कोस्ट गार्ड और रेस्क्यू टीम के लोग सफल रहे हैं। हादसे के बाद ज्यादातर शव बहकर समुद्र से बाहर आ गए थे, और जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वेस्ट बैंक में एक बार फिर से भीषण गोलीबारी हुई है, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। इसराइल की सेना की ओर से दावा यह किया गया कि फिलिस्तीन के लड़ाकों ने गोली मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी। पिछले काफी वक्त से फिलिस्तीन और इसराइल के बीच टकराव लगातार जारी है, और दोनों के बीच होने वाली कार्रवाइयों में अक्सर बेकसूर लोगों की जान जाती हुई दिख रही है। रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच जेलेंस्की के सीक्रेट एजेंट की बात सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि जेलेंस्की के खुफिया विभाग के चीफ ने एक बिल्ली के जरिए पुतिन को मैसेज देने की कोशिश की है। दावा ये है कि इस बिल्ली के चेहरे को अगर पुतिन ने पढ़ लिया तो वो युद्ध रोकने पर मजबूर हो जाएंगे। वहीं यूक्रेन के खुफिया विभाग की बिल्ली वाली खबर ने सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा दिया है। ब्रिटेन में लोग फल और सब्जियों की किल्लत से इस वक्त बुरी तरीके से जूझ रहे हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि सुपरमार्केट में सामान ही नहीं है, और खरीदारी पर लिमिट भी यहां पर तय कर दी गई है। और जो फल सब्जियां मिल भी रही हैं उनकी कीमतें इस वक्त आसमान छू रही हैं। सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और ये कह दिया है कि महीने भर फल और सब्जियों की कमी रहने वाली है। रूस के नवगरद में बर्फबारी की वजह से 25 से ज्यादा गाड़ियां आपस में ही टकरा गई, और जिसमें 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बर्फबारी से रास्ते में फिसलन भी बढ़ गई है, और जिससे एक के बाद एक कई गाड़ियां टकराती चली गई, और इस दौरान गाड़ियों की लंबी कतार भी यहां पर लग गई। इसके साथ ही सड़क पर काफी दूर तक जैम भी लगता हुआ दिखा। गनीमत हालांकि ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। और अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। कैलिफोर्निया, मिशिगन, रेगन, नेवाडा और न्यू हैम्पशायर जैसे शहरों में लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो चुके हैं। बर्फबारी से बिजली की सप्लाई ठप्प हो चुकी है, और इसके अलावा अमेरिका के 29 राज्यों में तूफान की वजह से 2000 उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। वहीं प्रशासन ने इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया है। अब बताया यह भी जा रहा है कि तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।